बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा, हमने एक चार्ज पर जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस पर कितनी फोर्स लगती है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये बेटा हमने कैलकुलेट करना है। सो बेटा, जिन बच्चों ने इसी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट लेक्चर नहीं बेटा तैयार किया, पहले वो तैयार करें। यदि आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो जाके देखें। इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर इसको आगे देखें, आपको इसकी ज्यादा समझ आएगी। अच्छा बेटा, उस टॉपिक में, लास्ट वाले टॉपिक में, फोर्स ऑन मूविंग फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस टॉपिक में बेटा हमने फोर्स कैलकुलेट की थी एक कंडक्टर पर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। जब उस कंडक्टर में से करंट गुजरता था उस पर फोर्स लगती थी और उस फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते थे। एक्चुअल में बेटा वो फोर्स उस कंडक्टर पर नहीं लगती थी, एक्चुअल में फोर्स उस कंडक्टर में जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उन पर लगती थी। अब जितने भी उस कंडक्टर में चार्जेस थे सब पर फोर्स लग रही थी, दैट्स व्हाई वो पूरा कंडक्टर मूव कर रहा था। आज हमने बेटा उस कंडक्टर के अंदर सिर्फ एक चार्ज पर जितनी फोर्स लगती है वो कैलकुलेट करना है, जितनी ताकत लगती है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए बेटा हमने सबसे पहले एक वायर का पोर्शन लेट कर लिया। कंसीडर अ पोर्शन ऑफ वायर, वायर का एक हिस्सा लेट कर लिया हुज लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो एल है, यहां से यहां तक ये लेंथ है एल, एंड एरिया और एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विथ होता है तो ये एरिया उसका बेटा, लेंथ ऑफ द वायर एल, एरिया ऑफ द वायर ए, तो बेटा वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जब बेटा हमने एक यूनिट सिर्फ, जैसे बहुत से पेजेस मिलके एक लेंथ बना रहे हैं, तो हमने एक वायर का सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम जो यहां पर रेड लाइन से शो किया गया बेटा, ये यूनिट वॉल्यूम हमने लेट किया, सिर्फ ये यूनिट वॉल्यूम, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से में सपोज करें यहां पर भी चार्ज है, 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 तो यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस जितने भी हैं उनको हमने कह लिया एन। एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस एन है, हमने लेट कर लिया बेटा फाइव है। अगर इस तरह के यूनिट वॉल्यूम टू हो जाए तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर 3 हो जाए तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अगर इस तरह के यूनिट वॉल्यूम 4 हो जाए तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। मीन जितने चार्जेस हैं उनको उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। यहां पर बेटा इस पूरी वायर में हमने नंबर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए बेटा हम एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। मतलब नंबर ऑफ चार्जेस इन द वायर जितने एक यूनिट वॉल्यूम में मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द वायर मीन ए एल। अच्छा बेटा, अगर एक चार्ज पर, एक यूनिट पार्टिकल पर, चार्ज कैरियर पर वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, उस पर चार्ज क्यों है, क्यों कोई भी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 19 कूलम हो सकती है, जितनी भी हो सकती है बहरहाल। तो बेटा इतने चार्जेस पर कितनी होगी, वेरी सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं कहता हूं अगर एक चार्ज कैरियर पर चार्ज जो है वो 3 कूलम है तो बेटा बताएं 5 पर कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरह से लिखा है कि एक पर क्यू है तो इतने चार्जेस पर कितना होगा, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू, टोटल चार्ज ऑन द वायर, टोटल चार्ज ऑन द वायर मतलब एक चार्ज जितने चार्ज कैरियर पर है मल्टीप्लाई बाय जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो बेटा एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू आ जाएगा। अच्छा बेटा, हम एक चार्ज को लेट करते हैं, हमने लेट किया कि जितने भी चार्जेस हैं या कोई चार्ज जो है वो इस लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाने के लिए जो टाइम टी लेता है वो किसके इक्वल होगा, तो बेटा हमने लिखा है द टाइम टेकन टू मूव अ चार्ज, टू मूव चार्जेस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द वायर टू द राइट साइड, यानी यहां से चार्जेस को यहां पर जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, हमें पता है बेटा एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी होता है, और बेटा यहां पर एस कितना है, इस पॉइंट से चार्ज ने मूव करना शुरू किया यहां तक आ गया तो डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो क्या हमने लिखा हुआ है लेंथ, तो बेटा डिस्टेंस की जगह पर हमने क्या लिख दिया लेंथ, v उसकी स्पीड, वेलोसिटी, डेल्टा टी, वैसे ही आ गया। तो यहां से बेटा डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो v तो जाकर बेटा क्या हो जाएगा, v तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा एल ओवर वी। इसे बेटा हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब बेटा हमें यह भी बताया टोटल
करंट इन अ वायर, टोटल करंट इन अ वायर क्या होगा? नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो हमने बेटा लिख दिया ये वाली वैल्यू, कितना टाइम ले रहे हैं, टाइम एल ओवर वी ले रहे हैं तो एल ओवर वी लिख दिया बेटा। इसको यहां पर अलग से सॉल्व किया गया है आसानी के लिए, जैसे बेटा इस डिवाइड की जगह पर हमने ये वाला साइन यूज कर लिया है, इस साइन को जब खत्म करते हैं तो हमने पढ़ा था कि डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई आ जाता है, तो बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का मतलब है नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, एल एल से कैंसिल हो जाएगा वी, तो ये आपके पास टोटल करंट आ जाएगा। बेटा हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, हमने फोर्स किसी मूविंग चार्ज पर कैलकुलेट करनी है और अभी तक तो हम सिर्फ करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। करंट बेटा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वजह से करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें बेटा सबसे पहले इस वायर पर जितने भी चार्जेस हैं सब पर जितनी फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दोबारा सुने, सबसे पहले इस वायर में जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं उन पर जो फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सपोज करें इस इसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो 10 है, मैं आपको कहता हूं कि इस पर टोटल जो फोर्स लग रही है वो 50 न्यूटन लग रही है, तो एक चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही होगी, तो नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल फोर्स, और नंबर ऑफ चार्जेस बेटा हमारे पास कितने हैं, ये नंबर ऑफ चार्जेस, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल जितने भी इसमें चार्जेस हैं टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए बेटा हम लिख रहे हैं यहां पर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, टोटल वायर पर जितने भी चार्जेस हैं उन पर जो फोर्स लगी वो किसकी इक्वल होगी, हमने पढ़ा था बेटा लास्ट वीडियो में आई एल क्रॉस बी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड बी इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर बेटा यहां पर ये जो ग्रीन लाइनिंग शो की गई है ये बताती है कि यहां पर मैग्नेट रखे हुए हैं, मीन यहां पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो ऊपर की तरफ है, ऐसे डायरेक्शन शो की गई है, ये बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बेटा आई हमने क्या कैलकुलेट किया है, क्यू एन ए वी, तो बेटा आई की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, क्यू एन ए वी एल क्रॉस बी, वैसे ही आ गया। यहां पर बेटा अब थोड़ा सा हमने वेक्टर्स को रिकॉल करेंगे, वेक्टर बेटा एक ऐसी क्वांटिटी कहते थे जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती थी, तो यहां पर बेटा एक्चुअल में तीन वेक्टर्स हमारे पास हैं, वी वी वेक्टर है, एल वी वेक्टर और बी वी वेक्टर है, लेकिन बेटा क्रॉस प्रोडक्ट किन के दरमियान है, एल और बी के दरमियान, लेकिन बेटा मैंने यहां पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्जेस एंड लेंथ इज सेम, चार्ज किधर से किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यहां से इस तरफ जा रहे हैं, यहां पर मूव कर रहे हैं, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और लेंथ बेटा किस तरफ है, इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से हम ये लिख सकते हैं, इसको आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, v इंटू वैक्टर एल बराबर होगा v वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड एल। इसका मतलब ये है कि v की डायरेक्शन और l की डायरेक्शन सेम है बट इनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा हम इसको फर्दर भी अगर करें आगे नेक्स्ट, बेटा क्यों मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि जो v वेक्टर था बेटा उसके पास भी v की मैग्नीट्यूड और v का यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, इसी तरह से बेटा जो l वेक्टर था, l वेक्टर में l की मैग्नीट्यूड थी और l की डायरेक्शन मतलब उसका यूनिट वेक्टर था, ये दो चीजों से मिलकर बेटा वेक्टर बना हुआ था, क्योंकि हमने बेटा पढ़ा था यूनिट वेक्टर a इज इक्वल होता है वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो बेटा ये फिर मल्टीप्लाई करेगा तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब बेटा ये क्या चीज है, ये दोनों यहां पर एक्चुअली डायरेक्शन है, ये दोनों बेटा यहां पर क्या है, डायरेक्शंस, अगर बेटा ये दोनों डायरेक्शंस हैं तो भी हमने बेटा दोनों डायरेक्शन सेम है, तो बेटा हम यहां पर लिख सकते हैं v डायरेक्शन इज इक्वल टू है l डायरेक्शन, मतलब l का यूनिट वेक्टर v के यूनिट वेक्टर के इक्वल है, दैट्स व्हाई बेटा हमने लिखा है, सो जो हमने लिखा है क्या लिखा है, v इंटू यूनिट वेक्टर l बराबर होगा v वेक्टर इंटू l की मैग्नीट्यूड, यहां पर v की मैग्नीट्यूड l वेक्टर है और यहां पर v वेक्टर है और l की मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, दैट्स व्हाई हमने इसको क्या लिखा है, इक्वल लिखा है। सो हमारे पास बेटा ये जो इक्वेशन है इसको रीराइट करके
लिए लिख सकते हैं हम, बेटा हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं सो, इसको इक्वेशन हम ए कह देते हैं आसानी के लिए, सो इक्वेशन ए बिकम्स, बेटा क्या बन जाएगी हमारे पास, एफ एल इज इक्वल टू क्यू एन ए, और बेटा हम वी को अब चेंज कर देते हैं, वी की जगह पर एल और एल की जगह पर वी लिख देते हैं आसानी के लिए, क्योंकि दोनों क्या हैं सेम है, मल्टीप्लाई बाय बी। जी बेटा ये फोर्स हमने जो निकाली है अभी, ये फोर्स पूरी वायर पर आई है, उस पूरी वायर पर जितने भी चार्जेस हैं सब चार्जेस पर लग रही है। अगर एक चार्ज पर फोर्स निकालनी हो तो जितने भी उसमें नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उस पर डिवाइड कर देंगे। यहां पे मैंने एग्जांपल दी थी, सपोज करें टोटल जो चार्जेस हैं वो हमारे पास, टोटल चार्जेस जो हैं वो हमारे पास 5 है, और टोटल जो फोर्स लग रही है वो बेटा कितनी लग रही है, टोटल फोर्स हमारे पास सपोज करें लग रही है 45, तो एक चार्ज पर कितनी फोर्स बेटा लग रही होगी, फोर्स ऑन वन चार्ज, बेटा एक चार्ज पर कितनी लग रही होगी, एक चार्ज पर आपके पास फोर्स लग रही होगी 45 डिवाइडेड बाय 5, तो बेटा 5 से कैंसिल 9, मतलब जितनी टोटल फोर्स है उसको टोटल चार्ज पे डिवाइड कर दें, तो टोटल फोर्स तो हमारे पास ये है, टोटल चार्जेस कितने हैं, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस इन वायर, इस वायर में नंबर ऑफ चार्जेस बेटा कितने हैं वो हमने अभी निकाले थे, वो हमारे पास आया था एन ए और एल के इक्वल, तो बेटा फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज पर जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल आएगी बेटा, ये वाली वैल्यू, मींस क्यू एन ए एल इंटू वी क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ चार्जेस टोटल जो हैं ए एल, तो एन एन से कैंसिल, ए ए से कैंसिल और एल एल से कैंसिल, तो हमारे पास जो बेटा टोटल फोर्स सिंगल चार्ज जो हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास बेटा आ जाएगी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बेटा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अगर लिखनी हो तो बेटा हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा कितनी होगी, यहां पर लिख देंगे फोर्स इलेक्ट्रॉन, चार्ज की जगह पर सिर्फ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है ई, ऊपर माइनस शो करेगा कि फोर्स इलेक्ट्रॉन पे है, बाकी बेटा सारा वही रहेगा वी क्रॉस बी, तो बेटा यहां पर हमने लिख लिया वी इंटू बी। अगर बेटा प्रोटॉन पे कैलकुलेट करनी हो तो यहीं पर हम लिख लेते हैं फोर्स ऑफ प्रोटॉन, तो एफ ई प्लस का मतलब प्रोटॉन ई इंटू वी क्रॉस बी, तो बेटा ये हमारे पास फोर्स ऑफ प्रोटॉन आ जाएगी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोर्स ऑफ प्रोटॉन।